ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो मैं वशीकरण के, मोहिनी के और प्यार बढ़ाने के मंत्र देता हूँ, जिससे कि घर जुड़े। मैं कभी भी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो कुछ ऐसा है कि शत्रु को बर्बाद कर देगा। शत्रु को खून के आंसू रुलाने के लिए ये मंत्र सटीक काम करता है। और मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी वेशभूषा को देखकर, आपके आवरण को देखकर लोग आपके साथ कितनी शक्तियां चलती हैं उसका अनुमान नहीं लगा पाते। वो सिर्फ वही देख पाते हैं जो वो देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कौन तंत्र ज्ञानी है, किसको तंत्र आता है, किसके साथ क्या क्या शक्तियाँ चल रही हैं। और यदि आप उनकी अवहेलना करते हैं तो चाहे वो व्यक्ति कुछ ना करे आपका, लेकिन जो शक्तियाँ हैं वो माफ़ नहीं करती। तो इस तरह की शक्ति प्राप्त करने के लिए कि आपको कुछ नहीं करना है, यदि कोई आपकी किसी भी प्रकार की अवहेलना करता है, कोई आपके बारे में कटु शब्द कहता है, तो ऑटोमेटिकली जो ये नेचर है ये अपने आप उसको हैंडल कर लेगा। उस व्यक्ति के साथ इतना बुरा हो जाएगा जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। एक ऐसी सजा मिलेगी जो कि अकल्पनीय होगी, अविश्वसनीय, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। आपने तो उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन जो शक्तियां हैं वो उसे माफ़ नहीं करेंगी। तो इस तरह की शक्ति के लिए आपको चाहिए होगा तंत्र को समझना। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी मेरे पाठक हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको 60% तो मैंने सिखा ही दिया है। अब आगे का जो सफ़र है वो आपको तय करना है। तो ऐसा होता था कि प्राचीन काल में जो तंत्र ज्ञानी होते थे उनसे लोग डरते थे, और ये सही भी था, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं। आप देखते होगे कोई जिम में जा रहा है, बॉडी बना रहा है, तो उसकी बॉडी दिख जाती है कि हाँ थोड़े से डोले शोले बने हुए हैं, लेकिन जो तंत्र ज्ञानी होते हैं उनके साथ कितनी बड़ी फौज चल रही है ये आप नहीं देख पाते। उनके रक्षक कितने हैं, पहरेदार कितने हैं, शक्तियाँ कितने उनके साथ चल रही हैं, कितनी सिद्धियाँ हैं उनके पास, तो ये आपकी आँखें, आपका मन, आपका मस्तिष्क नहीं देख पाता। लेकिन जब कभी वो क्रोधित होती हैं तो आपका सर्वनाश कर सकती हैं। तो कभी भी किसी की अवहेलना ना करें, कभी भी किसी के बारे में कटु शब्द ना कहें। अपने जीवन में कुछ ऐसा लाएं कि शांत रहें, यदि कोई आपके बारे में कुछ गलत कहता है तो भी शांत रहें। तो इससे होता यह है कि आपने वो जो एनर्जी थी उसको लिया नहीं है। यदि आप भी उसके अपोजिट कुछ और बोलेंगे तो आपकी जो शक्ति वो क्षीण हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसा अवसर आए कि कोई आपको गाली गलौज करे, कोई भी ऐसा कटु शब्द आपके बारे में कहे, तो शांत रहे। और आपको करना क्या है, सिर्फ इस मंत्र का निरंतर 108 बार जाप कर दीजिए शनिवार के दिन। इससे जो शत्रु है, मैं नहीं कहता कि एक पर्टिकुलर कोई शत्रु होगा, कोई भी शत्रु हो, जो भी आपके बारे में सोच रहा हो उल्टा आपका, जो आपका अनिष्ट करना चाहता हो, वो कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, आप यकीन मानिएगा कि हफ्ते भीतर वो खून के आंसू रोएगा। मंत्र सुन लीजिए। नमो भगवते शत्रुभूति विनाशाय आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, संध्या काल में आप कर सकते हैं, जब भी आपका समय लगे आप ये कर सकते हैं। और जब इस मंत्र का आप जाप करें तो याद रहे कि कभी भी किसी की अवहेलना ना करें, किसी का बुरा ना करें, और अपने मन में किसी के प्रति किसी भी तरह का द्वेष ना रखें। आपका मन अगर शांत है तो ये मंत्र अवश्य काम करेगा। अगर आप किसी का बुरा चाहते हुए ये करेंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। यदि आपकी जो क्वेरी है वो सटीक है, वो सही है, तो ही ये काम करेगा। अगर किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को
किसी का विनाश करने के लिए अगर आप ये करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके साथ कुछ उल्टा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो ये आँख मूंद कर आप बैठ जाइए, ये काम करेगा। आपको बस इस पर ध्यान लगाना है, इसका जप करना है, और स्वतः ही ये प्रकृति अपने आप जिसने भी आपका अनिष्ट किया है उसका बुरा कर देगी। आपको बस शांत रहना है, शांत रहना सीखिए। चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना हो, आपको शांत रहना है और इस मंत्र का जाप करना है। तो आप अगर इसका 108 की संख्या में आज ग्रहण है तो आज अगर कर देते हैं तो ये उम्र भर के लिए आपके साथ रहेगा। उम्र भर मतलब अगर आज आपने ये किया तो 20 साल बाद भी इसका जो असर है वो वैसे का वैसा ही होगा, बिल्कुल सटीक रहेगा। आपको और कुछ नहीं करना है, बस 108 की संख्या में किसी भी शुभ मुहूर्त में इसका जाप कर देना। जैसे आज जो है सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं, और इसको करने से ये सिद्ध हो जाता है और इसकी जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ उम्र भर चलती हैं। यदि किसी ने एक आँख उठाकर भी आपको देख लिया तो ये जो शक्तियाँ हैं ये उसके कुल को, उसके जो कुछ भी उसने अब तक कमाया है, जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, वो सारा नाश कर देंगी। तो ये शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो कभी भी किसी भी योगी का, किसी अघोरी का, किसी भी तंत्र ज्ञानी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सच होती हैं। ये आपकी खुली आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके पास इस तरह की रिद्धि सिद्धि होती है जो कि ना चाहते हुए भी आपका जो है सर्वनाश कर देगी। तो इस मंत्र को किसी भी तरह की अगर आपको त्रुटि लगे तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इसी नंबर पर।